सभी को नमस्कार। और पढ़ई तुंहर द्वार के अंतर्गत SCERT द्वारा संचालित राज्य स्तरीय ऑनलाइन कक्षा, जो कि अपर प्राइमरी स्कूल कक्षाओं के लिए चलाई जा रही है, इसमें आप सभी का स्वागत करते हैं। और मैं हूँ आपका होस्ट भास्कर देवांगन। और आज हम कक्षा 6वीं के अंतर्गत इस समय अध्ययन करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक के अध्याय 15 गणित विषय के अंतर्गत, जो कि है रेखा गणितीय रचनाओं के संबंध में। विद्यार्थियों, आप लोगों को पता ही होगा कि रेखा गणित के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों के विषय में अध्ययन करते हैं। बिंदु रेखा और इन रेखाओं से मिलके बनने वाले अलग अलग प्रकार की आकृतियों के संबंध में हम अध्ययन करते हैं। और रचनाओं के अंतर्गत हम जिन आकृतियों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी अलग अलग माप की रचनाएं किस तरह से की जाती हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आज हम इसी के संबंध में कुछ मूलभूत रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे इस कक्षा के माध्यम से। और इस कक्षा को हम चलिए शुरू करते हैं। और मूलभूत रचनाओं को किस तरह से करना है और किन उपकरणों का इस्तेमाल हम इनके लिए, इस प्रकार की रचनाओं को करने के लिए उपयोग करते हैं, ये हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा में। आप भी अपना ज्योमेट्रिक बॉक्स और पेपर पेंसिल ये सब लेके तैयार रहें, और इस कक्षा के साथ साथ आप भी रचना करते जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेखा गणितीय रचनाएं। आप लोगों को पेपर दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से, और आप लोगों के पास इस तरह से एक ज्योमेट्रिक बॉक्स भी होगा। ज्यामितीय रचनाओं के संबंध में विभिन्न प्रकार के उपकरणों को इसमें रखा जाता है, और इसमें बहुत सारे उपकरण इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ये है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और ये, इसको हम स्केल कहते हैं। ये एक छोटा सा स्केल, इसका बड़ा स्केल भी आप लोगों ने देखा होगा। मीटर स्केल भी आप लोगों ने, कपड़ों के दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो लंबे लंबे स्केल आपने देखे हैं। और इस स्केल का उपयोग भी आप भली भांति जानते हैं। स्केल का इस्तेमाल हम करते हैं लंबाइयों का मापन करने के लिए। और इस स्केल में, जैसा कि आप लोगों को दिखाई देता है, यहाँ पे 0 से लेकर 15 तक अंक लिखे हुए हैं, और ये जो अंक दर्शा रहे हैं ये सेंटीमीटर में दिए हैं, है ना। 0 से 15 तक इसमें सेंटीमीटर में मापन हम कर सकते हैं। 15 सेंटीमीटर का मापन इस स्केल की सहायता से कर सकते हैं, और इस स्केल की सहायता से 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा का भी मापन कर सकते हैं विभाजित करके। और साथ ही इस स्केल को यदि हम पलट दें तो दूसरी ओर मेजरमेंट कुछ अलग दिखाई दे रहा है। ये इंच में दिया हुआ है ना। तो इंच और सेंटीमीटर, इन दोनों का मापन करने के, दोनों इकाइयों में मापन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 से 1 के बीच 1 सेंटीमीटर हुआ, 1 से 2 के बीच पुनः 1 सेंटीमीटर हुआ, या हम 0 से शुरू करते हैं तो 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, इस तरह से 15 सेंटीमीटर तक दिया। और बहुत ध्यान से यदि आप देखेंगे तो इस स्केल में प्रत्येक सेंटीमीटर की लंबाई जो दिया गया है, उस सेंटीमीटर की लंबाई के बीच में 10 छोटे छोटे खाने और बने हुए हैं। ये इस तरह से आप देखिए, 0 और 1 के बीच में छोटी छोटी और रेखाएं खींची हुई है, और बीच में एक थोड़ी बड़ी रेखा है, तो ये 10 बराबर खानों में बटा हुआ है। तो इन 10 खानों को हम कहते हैं मिलीमीटर। तो 0 से 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, और ये 10 बराबर भाग मिलीमीटर कहलाते हैं।
तो यदि हम स्केल देखें तो यहाँ शून्य है, यहाँ एक है, इसके बीच में एक दो तीन चार, फिर 5 6 7 8 9 और फिर 10। तो यहाँ से यहाँ तक ये सेंटीमीटर हुआ, और इसी तरह से ये जो छोटा सा भाग जो बना हुआ है, इस छोटे से भाग को, जो एक भाग है, 10 बराबर भागों में बांटा गया है, उसमें से एक भाग को हम कहते हैं मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखेंगे, एक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को संक्षिप्त में हम से मी लिखते हैं, या हम उसको लिख सकते हैं अंग्रेजी में लिखें, ज्यादा सुविधाजनक होता है, तो 1 cm इस तरह से लिखते हैं। तो एक सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर में विभाजित किया जाता है, 10 mm, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो इस स्केल की सहायता से हम रेखाओं की लंबाइयों को ज्ञात कर सकते हैं, है ना, या फिर स्केल की सहायता से किसी दी गई लंबाई की रेखा हम खींच सकते हैं। जैसे यदि आपको किसी ने कहा कि 7 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा खींचिए, तो हम स्केल को पेपर में इस तरह से रखेंगे, और उसके बाद जो शून्य है, इस शून्य पर एक बिंदु लगा दिए, और उसके बाद यहां से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सातवां जो भाग हिस्सा दिख रहा है वहां पे एक बिंदु उसके ठीक ऊपर में लगा देते हैं, और उसके बाद इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें। तो इस तरह से एक रेखाखंड बनता है, और इस रेखाखंड, ये जो बिंदु हम पहले लिए थे प्रारंभिक बिंदु, इसको कोई नाम दे देते हैं बिंदु ए, और जहां तक ये रेखाखंड पहुंचा है वो हो गया बिंदु बी। तो ए और बी, ये एक रेखाखंड बना, इस रेखाखंड की लंबाई हमने कितना लिया, स्केल की सहायता से हमने 7 सेंटीमीटर माप के ये रेखाखंड खींच दिए। तो इस तरह से हम स्केल की सहायता से किसी भी दिए गए लंबाई का रेखाखंड खींच सकते हैं, पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल, यदि कोई रेखा दिया गया है या रेखाखंड दिया है तो वो कितनी लंबाई का है, इसको हम इस स्केल की सहायता से मेजर कर सकते हैं। यदि आपको कहा जाए 3.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, 3.7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचिए। रेखाखंड का मतलब होता है रेखा, यदि हम कहते हैं तो रेखा का मतलब, जैसे ये एक रेखा है, इसमें दोनों ओर एरो का निशान, तीर का निशान यदि बना दिया गया है, तो ये रेखाखंड अनंत लंबाई का हो जाता है। ये रेखा अनंत लंबाई का, तो यदि हम केवल रेखा कहते हैं तो वो अनंत लंबाई की होती है, और रेखाखंड कहते हैं तो इस रेखा का एक हिस्सा हम कहेंगे, तो इसलिए रेखाखंड का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम बार बार गणित में इस्तेमाल कर रहे हैं रेखाखंड, तो रेखाखंड कहना, बोलना और लिखना, ये दोनों, चूंकि शब्द बड़ा है, तो शब्द बड़ा है तो कहना बोलने में और लिखने में तकलीफ है, तो उसके लिए हम केवल सामान्य रूप से किसी निश्चित लंबाई की रेखा बस कहते हैं। तो आगे यदि रेखा कहें तो अनंत लंबाई की रेखा नहीं समझना है, हम उसको रेखाखंड के रूप में ही लेंगे। तो चलिए, 3.7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड हमें खींचना है, तो फिर से हम वैसे ही करेंगे, स्केल रखे, शून्य पर निशान लगा दिए, और आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे अपने में, तो स्केच पेन मैंने इस्तेमाल किया है चूंकि आपको स्पष्ट दिखाई दे इसलिए, और आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से पेंसिल, जिसको आप शार्पनर की सहायता से, जिसको आप अपनी भाषा में सिसछोलनी भी कहते हैं, तो शार्पनर का इस्तेमाल करके आप उसको नुकीला अच्छे से बना सकते हैं। ये है शार्पनर, और इस शार्पनर से बहुत सावधानी से यदि हम इसको मूव कराएंगे, रोल कराएंगे, तो ये छिलते जाएगा और ये नुकीला अच्छे से हो जाता है।
तो बहुत नुकीला रहे तो बहुत अच्छे से चित्र दिखा बने बनता हुआ दिखाई देता है। तो शून्य पर बिंदु ले लिए और उसके बाद हमको 3.7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये 3 सेंटीमीटर है आपको दिख रहा होगा। तो 3 सेंटीमीटर के बाद जो छोटे छोटे 10 भाग हैं उसमें हम सातवें भाग को गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, ये पांचवा भाग थोड़ा बड़ा रहता है तो पांचवें भाग के बाद 2 भाग और ले लेंगे, तो ये सातवें भाग के पास में एक बिंदु हम लगा दिए इस तरह से, और इन दोनों बिंदु को 0 से 3.7 के बीच में लंबाई में हम स्केल की सहायता से रेखाखंड खींच लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये मान लो है पी क्यू, रेखाखंड पी क्यू है ना। अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, 3.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम 3.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं। तो ये हो गया स्केल और स्केल का उपयोग। तो आपके ज्योमेट्रिक बॉक्स में ये स्केल रहता है तो इसका इस्तेमाल आपको आ गया होगा उम्मीद करते हैं। और उसके बाद एक दूसरा दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक ये है इसको कहते हैं प्रकार, ये प्रकार है। इस प्रकार की रचना को आप देखेंगे तो यहाँ पे दो भुजाएं हैं प्रकार में, ये दो भुजाएं आपको दिखाई दे रही होगी। एक भुजा में एक सुई लगा हुआ है पतला सा है ना, ये सुई है, और दूसरी भुजा में पेंसिल को फंसाने के लिए घुंडी बनी हुई रहती है, उसके अंदर में हम पेंसिल को फंसा के और उसको अच्छे से टाइट कर देते हैं ताकि वो पेंसिल हिले मत, ताकि बहुत अच्छे से वो फिक्स हो जाए। और क्योंकि इसका इस्तेमाल जब करेंगे तो पेंसिल यदि हिलेगा तो हम जिस माप की चीज़ों को बनाना, जिस प्रकार से हम बनाना चाहते हैं, वो हिलने से फिर वो आकृति डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसको बहुत अच्छे से टाइट करके रखना है, कसना है इसको, इसका जो स्क्रू दिया है उससे उसको बहुत अच्छे से कसना है। और ध्यान रखेंगे कि जिस भुजा में पेंसिल लगाया जाता है वो पेंसिल की लंबाई इस प्रकार की लंबाई से कम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, एक छोटा पेंसिल इस्तेमाल किया है, यदि मैं इसमें इस पेंसिल का इस्तेमाल करता तो ये पेंसिल चूंकि इस प्रकार से लंबा है तो हमको इस प्रकार को इस्तेमाल करने में परेशानी हो जाती, तो इसलिए प्रकार की लंबाई से छोटी लंबाई का पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। इस पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते थे, ये भी छोटा है। अब इसमें इस प्रकार में ऊपर में एक घुंडी दिया हुआ है, ये है ना, तो इस घुंडी का इस्तेमाल हम प्रकार से आकृति बनाने के लिए करते हैं। किस तरह से करते हैं ये देखिए, इस तरह से हम प्रकार को कभी भी ऐसे नहीं पकड़ के उपयोग करना है, प्रकार को हमेशा इस्तेमाल करना है इस घुंडी को पकड़ के, इस घुंडी से पकड़ेंगे हम और उसके बाद प्रकार में प्रकार को से एक्चुअल में प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, वृत्त की रचना करते हैं। वृत्त की रचना, सामान्य रूप से वृत्त बनाने के लिए आप लोग कोई चित्र बनाते होंगे या किसी मानव की आकृति बना रहे हैं तो उसका सिर बनाना है, तो सिर बनाने के लिए आप सिक्का रख दिए और सिक्के से एक वृत्त की रचना कर देते हैं, या फिर कटोरी रख के कटोरी से गोल घेरा बना देते हैं, या फिर चूड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक वृत्त की रचना आप इस प्रकार से करते हैं, है ना। अब जो वृत्त आप बनाते हो इन अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल करके, इस वृत्त का आकार कितना है ये जानकारी हमें नहीं रहती है। वृत्त के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, वृत्त और वृत्त का एक केंद्र बिंदु होता है और केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी को हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या, है ना। वृत्त की त्रिज्या वृत्त का माप बताता है कि कितना बड़ा वृत्त है ना, वो उसकी त्रिज्या निर्धारित करता है। त्रिज्या के पीछे की ओर यदि हम लाइन खींच देते हैं और तो ये त्रिज्या का दुगुना हो जाता है और त्रिज्या का दुगुना कहलाता है वृत्त का व्यास। तो व्यास या त्रिज्या वृत्त का आकार निर्धारित करता है ना। तो कितना बड़ा वृत्त हमें बनाना है,
इसका निर्धारण करने के लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार को हम यदि दोनों पॉइंट को, सुई को और पेंसिल को मिला दिए तो ये शून्य शून्य पे है। अब यदि हम इसको फैलाते हैं तो एक निश्चित लंबाई तक ये फैलता है ना, इस तरह से एक निश्चित लंबाई तक ये फैलते जाता है। तो जितनी लंबाई का, जितनी त्रिज्या का हमें वृत्त बनाना है, उतनी त्रिज्या का हम इसको फैलाव देके फिर वृत्त की रचना करते हैं। वृत्त की रचना कैसे करनी है ये हम एक बार देख लेते हैं, फिर अलग अलग प्रकार से अलग अलग माप का वृत्त कैसे बनाएंगे उसको हम देखेंगे। तो ये पेंसिल को फंसा दिए, घुंडी को पकड़ेंगे ऊपर से और नोक को पेपर में थोड़ा प्रेशर देके रखेंगे, नोक की तरफ को प्रेशर देंगे और उसके बाद इस घुंडी से हम पेंसिल को पेपर में रख के घुमाते हैं तो ये बहुत अच्छे से मूव हो जाता है बिना पेपर को इधर उधर हिलाए। तो इस तरह से एक वृत्त बन जाता है, आप इसको कितना भी घुमा सकते हैं। यदि प्रकार आपसे डिस्टर्ब हो गया जैसे मेरे साथ हुआ है तो फिर से जिस नोक पे यदि रखे थे वहीं पे रखिए और ध्यान रखेंगे कि जो फैलाव है वो डिस्टर्ब ना हुआ हो, तो हम उस वृत्त को पुनः पुनः वही वृत्त की रचना कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वृत्त कर सकते हैं। अब यदि आप प्रकार को ऐसे पकड़ते हैं घुंडी में ना पकड़ के, अभी हमने इसको घुंडी की सहायता से घुमाया, यदि हम हाथ को ऐसे रखते हैं अंगूठे और उंगलियों से प्रकार की भुजाओं तक पकड़ करते हैं तो आप देखेंगे यदि इस तरह से मैं रखता हूं तो फिर वृत्त बनाने में हाथ मेरा है वो आधे भाग तक ही घूमेगा, ये इस तरह से घूमता है। अब इसके बाद मेरे को पूरा वृत्त बनाने के लिए फिर इसको अब मेरे हाथों को हटाना पड़ेगा और उसके बाद फिर घुमाना पड़ेगा या फिर पेपर को घुमाना पड़ेगा। तो ये तकलीफदायक स्थिति है, हो सकता है कि इससे मेजरमेंट डिस्टर्ब हो जाए, पेंसिल आपका हट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा घुंडी से पकड़ के और उसके बाद वृत्त बनाइए। तो आप किसी भी आकृति का वृत्त प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। तो इस प्रकार का इस्तेमाल हम वृत्त की रचना करने के लिए करते हैं। और वृत्त का जो छोटा हिस्सा होता है, जैसे ये वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, इस वृत्त के यदि हम परिधि के एक भाग को लें, ये इतना भाग जो आपको नीले रंग में दिखाई दे रहा है ना, तो इस भाग को, ये छोटा सा भाग कहलाता है चाप। क्या कहेंगे इसको? चाप कहते हैं, है ना। और ये वृत्त का जो प्रकार की जो सुई वाला हिस्सा था, जो जहां बीचों बीच आया, ये हो गया वृत्त का केंद्र। और इस केंद्र से वृत्त तक यदि हम एक रेखा खींच देते हैं, वृत्त से केंद्र के बीच में एक रेखा खींच देते हैं, ये इस तरह से एक रेखा खींच दिए, तो ये कहलाएगा वृत्त की त्रिज्या। तो इसी का माप अलग अलग करके हम वृत्त छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। त्रिज्या यदि कम लेंगे, जैसे 3.7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे तो 3.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन जाएगा। चलिए हम 3.7 सेंटीमीटर का ही एक वृत्त यहां पे बनाते हैं, 3.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो 3.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त कैसे बनाना है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब स्केल का इस्तेमाल करेंगे और इस स्केल में हम प्रकार का जो सुई वाला हिस्सा है उसको शून्य में रखेंगे और पेंसिल वाला हिस्सा है उसको 3.7 सेंटीमीटर लंबाई तक फैला देंगे, ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। इसको ये यहां से इस तरह से मैं बता रहा हूं आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। शून्य में रखेंगे और 3.7 तक हम उसको फैलाएंगे, ये 3.7 तक फैल गया। अब ये 3.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या बनाने वाला प्रकार, त्रिज्या का वृत्त बनाने वाला प्रकार रेडी हो गया। अब हम इसको बिना किसी तरीके से फिक्स किए, याद रखिएगा यहां पे एक स्क्रू दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, ये स्क्रू अच्छे से टाइट रहना चाहिए। यदि ये ढीला है तो थोड़ा भी प्रकार की भुजा को टच करने से उसका फैलाव जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप इसको अच्छे से टाइट रखेंगे, यहाँ इस प्रकार में ये बहुत अच्छे से टाइट है। तो आप लोग जैसे 3.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का फैलाव हो गया, अब हम इसको पेपर में रखें, पहले सुई वाले हिस्से को रखेंगे
और उसके बाद पेंसिल वाले हिस्से को पेपर में रख के घुंडी को, हाथ को घुंडी में मूव करवाते जाएंगे, रोल कराएंगे। रोल कैसे कराना है ये देख सकते हैं, ये इस तरह से घूमता है, ये बहुत आसानी से। तो इस तरह से ये 3.7 सेंटीमीटर का वृत्त रेडी हो गया। इसमें जहां पे सुई चुभाया था पेपर में हमने, वो वृत्त का केंद्र बन गया और ये 3.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तैयार हो गया। तो इस तरह से हम प्रकार की सहायता से वृत्त की रचना कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, प्रकार से अलग अलग आकृति का वृत्त। तो आपके पुस्तक में जो अभ्यास है उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आकृतियों के लिए, मतलब अलग अलग माप का, अलग अलग त्रिज्या का वृत्त बनाने के लिए अभ्यास दिया गया है। तो आप अब प्रयास करिए और इस तरह से अलग अलग माप की त्रिज्या का वृत्त आप बनाएंगे और इन वृत्तों से आप अपने ड्राइंग स्किल को और डेवलप कर सकते हैं। इन वृत्तों की सहायता से आप अपनी कल्पना शक्ति को डेवलप कर सकते हैं और कई और प्रकार की आकृतियां इसमें जोड़ के आप कुछ और चित्र, बहुत आकर्षक चित्र भी बना सकते हैं, कुछ सजावटी सामान भी बना सकते हैं और लोगों को आप दिखाएंगे तो वो मजा भी आएगा उनको। तो चलिए आप ये काम करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रकार की तरह दिखने वाला एक और उपकरण है जिसको कहते हैं डिवाइडर, नाम से ही स्पष्ट है, डिवाइडर, डिवाइड करने वाला। डिवाइड करने वाला मतलब विभाजित करने वाला है ना। इसमें प्रकार की तरह दो भुजा इसमें भी होता है, वैसे ही पकड़ने के लिए घुंडी दिया हुआ है, दोनों भुजाओं में लेकिन सुई लगा रहता है ना। पेपर में इसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं। डिवाइडर का इस्तेमाल आप रेखाखंड वाले अध्याय में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इस डिवाइडर की सहायता से हम रेखाओं को अलग अलग समान भागों में विभाजित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उदाहरण आपको दे देता हूं मैं यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मान लो हमारे पास ये एक रेखाखंड है ए और बी। इस रेखाखंड को कुछ बराबर भागों में विभाजित करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो या दो या तीन बराबर भाग इसमें निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम इस डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे। इस डिवाइडर को किसी भी फैलाव तक फैला दिए, यदि मेजरमेंट दिया है तो उतने त्रिज्या हम नाप लेंगे यहाँ पे। जैसे 3-3 सेंटीमीटर में विभाजित करिए, यदि ये हम दिया है तो एक इस्तेमाल तो कर सकते हैं, स्केल रख के 3-3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 9 सेंटीमीटर, इस तरह से कर सकते हैं। इस डिवाइडर की सहायता से कैसे करेंगे? 3 सेंटीमीटर तक डिवाइडर को हम फैला लेंगे, ये इस तरह से फैला लिए 3 सेंटीमीटर तक। अब उसके बाद जो प्रारंभिक बिंदु है ए, वहां पे रखें, आपको दिख रहा होगा, और दूसरा भाग पर नुकीला निशान दबा के रखेंगे तो वो वहां पे एक छोटा सा छिद्र हो जाएगा। फिर पहले भाग को हटा दिए, घुमा के रेखाखंड में फिर उसको रख दिए, फिर इसको, ये आपका कदम ताल चल रहा है, इस तरह से रखते चले और नोक का निशान वहां पे बिंदु के रूप में बनते जाएगा, उसको ध्यान रखना है कहाँ पे बन रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ निशान बने हुए दिखाई देते हैं जो कि इसको 3-3 सेंटीमीटर में विभाजित करता है। तो इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर के भाग में विभाजित हो जाता है, तो मेजर करने के लिए भी काम आता है। तो चलिए इसके बारे में आगे और देखेंगे अगले अध्यायों में या अगले कक्षाओं में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज और है वो है प्रोटेक्टर। इसको कहते हैं प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर या फिर हम इसको कहते हैं चांदा। चांदा ये अर्धवृत्त की आकृति वाला एक उपकरण है ना। और चांदे की सहायता से, इस चांदे में आप बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसकी वृत्ताकार भाग में ऐसे
यदि आप देखेंगे तो इसमें एक सूर्य बना हुआ है बढ़िया से, है ना। ये सूर्य की आकृति आप बनाते होंगे, चित्र बनाते होंगे, तो वैसे ही यहाँ पे बना हुआ है। इस सूर्य के बीचों बीच एक खड़ी रेखा है और ये एक आड़ी रेखा भी सीधा सीधा खींचा हुआ है, और उसके बाद इसमें दो अर्धवृत्त बने हुए हैं बाहर की ओर, है ना। एक अर्धवृत्त यहाँ है, एक अर्धवृत्त यहाँ है, और एक अर्धवृत्त, तीन अर्धवृत्त बने हुए हैं। और इसमें आप देखेंगे तो इस तरफ से, चलिए यहां से देखें, इस तरफ से शून्य लिखा हुआ है, शून्य 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और 90 के बाद फिर ये पूरा 180 तक चलता है। और इसी प्रकार से ये लेफ्ट हैंड साइड से हुआ, राइट हैंड साइड की ओर चलेंगे तो राइट हैंड साइड से शून्य यहां शुरू से शुरू हुआ है, शून्य 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 के बाद फिर ये आगे 180 तक चलता है। तो अब इसका इस्तेमाल क्या है, इस प्रकार के अंक वृत्ताकार भाग में क्यों लिखे हुए हैं? तो इसका कारण ये है कि इस चांदे की सहायता से हम कोण का मापन करते हैं। कोण का मापन करने के लिए चांदे का ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो अब पहले हमने कहा कि ये अर्धवृत्त की आकृति है, और अर्धवृत्त की आकृति को आप देख रहे हैं 180 बराबर भागों में बांटा गया है। आपने पहले कक्षाओं में या अध्याय में पढ़ा है कि वृत्त में कुल 360 अंश का कोण बनता है, वृत्त का पूरा एक चक्कर 360 अंश का कोण बनाता है। तो ये अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा है, तो ये 180 अंश का कोण बनाता है। तो कोण का मापन करने के लिए हमें किसी वृत्ताकार चीजों की ही आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ एक इस अर्धवृत्त का इस्तेमाल करते हैं चांदे के रूप में, और इसमें 10-10 भाग के रूप में कुल 180 अंश तक के कोणों का मापन कर सकते हैं, या 180 अंश तक के कोण की माप हम इसमें से ले सकते हैं, या वैसा कोण हम बना सकते हैं। अब कोण क्या होता है ये आप लोगों ने पहले कक्षा में या इसी में पहले अध्यायों में पढ़ा होगा। दो रेखाखंड है, इन दो रेखाखंडों का एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, या कह सकते हैं कि दो किरणें यदि रेखाखंड कहें या किरण कहें, दो किरण यदि एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है या होकर जाती है, तो उन बिंदुओं उस बिंदु पर उन किरणों की भुजाओं से बनने वाली आकृति कोण कहलाता है। तो ये कोण बन गया। एक ही दिशा में एरो का निशान बना हुआ है तो इसको हम कहेंगे किरण, दोनों तरफ रहता है तो वो कहलाता है रेखा, और यदि नहीं है तो रेखाखंड, तो हम सामान्य रूप से इसको रेखाएं कहेंगे। और रेखा की ये भुजा हो गई, जैसे कि इस आकृति में अभी आप देखोगे कि यहाँ दो भुजाएं हैं, तो ये भी इनके बीच में भी एक प्रकार का कोण बनता है ना। तो ये कोण हो गया। अब इस कोण की माप कितनी है ये मेजरमेंट करने के लिए हम चांदे का इस्तेमाल करते हैं। तो चांदे का इस्तेमाल कैसे करना है ये हम देखें। जो सूर्य वाला भाग बना है उसमें जो खड़ी और आड़ी रेखा जहां पे मिल रही है, उस भाग पर हम जहां से कोण बनना शुरू होता है वहां पे रखेंगे इसको। तो इस तरह से रख दिए ठीक बीचों बीच में। अब उसके बाद ये इस प्रकार से रखाना चाहिए कि जो आड़ी रेखा है वो जो पहले से बना हुआ रेखा है उसके ऊपर ही ऊपर रखा है। अब उसके बाद जो दूसरी रेखा है वो देखोगे आप किस भाग से होकर गुजर रहा है। तो यदि हम देखें, अब चूंकि हम लेफ्ट साइड की ओर राइट साइड की ओर से कोण का मापन कर रहे हैं, तो राइट साइड की ओर से कोण का मापन करने के लिए हम राइट साइड में नीचे शून्य से ऊपर की ओर बढ़ेंगे अंक पढ़ने के लिए। तो आप देखेंगे ये 40 से होकर गुजर रहा है, तो इसका मतलब इस कोण की माप 40 अंश हो गया। तो इस तरह से हम कोण की माप कर सकते हैं। यदि आपको कहा जाए कि 60 अंश का कोण बनाइए, बिंदु ए से 60 अंश का कोण बनाइए, तो बिंदु ए से 60 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, बिंदु ए यहाँ पे है, ये एक रेखाखंड हम खींच देंगे, ये रेखाखंड पहले से बनाएंगे, ये बेस लाइन हो गया, आधार हो गया कोण का। अब उसके बाद चांदे को हम
बिंदु ए पर रखेंगे जैसे कि पहले बताया था, उसी तरीके से चांदे को ए पर रखेंगे। जो चांदे की आड़ी रेखा है वो रेखाखंड जो पहले आधार बनाए हैं उसके ठीक ऊपर रखाना चाहिए, ये रखा गया। अब चूंकि हम लेफ्ट साइड में बाई तरफ 60 अंश बना रहे हैं, इसलिए हम ऊपर वाले भाग को पढ़ना शुरू करते हैं। ऊपर वाले भाग को पढ़ना शुरू करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 अंश जहां पे आया वहां पे हमने निशान लगा दिया। तो ये 60 अंश की रेखा, हम 60 अंश का कोण यहाँ पे बन जाता है। तो इसको ए से जो बिंदु प्राप्त हुआ, मान लो इसको हम मान दे दिए बी लिख दिए, तो ए और बी को मिलाती हुई एक रेखाखंड हम खींच लेते हैं। तो इस तरह से ये कोण बन गया 60 अंश का। तो इस तरह से चांदे का इस्तेमाल करके 60 अंश का कोण बनाया जा सकता है। तो चलिए चांदे का इस्तेमाल करना सीखे। अब हमारे पास दो और उपकरण हैं। ये त्रिभुज आपने पढ़ा है, और इस उपकरणों को देखोगे तो ये त्रिभुज की आकृति जैसे दिखाई देती है। इनको कहा जाता है सेट स्क्वायर। ये दोनों करीब करीब एक समान दिखाई दे रहे हैं। यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, इन दोनों में जो मूलभूत अंतर है उसमें ये अंतर है। आप इस सेट स्क्वायर को अपने में देखेंगे तो जो पहला वाला जो मैं रखा हूं यहाँ पे, इसमें जो भुजाएं हैं ये, इन भुजाओं की लंबाइयां एक बराबर है। यहां भी 8 सेंटीमीटर तक का है, यहां भी 8 सेंटीमीटर तक का है। तो ये दोनों भुजा एक बराबर है ना। और इस सेट स्क्वायर की खूबी ये होती है कि इसका जो ये वाला भाग है ये 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। समकोण बनता है यहां पे, समकोण। ठीक वैसे ही चीज इसमें भी है, इसमें भी यहां पे समकोण बनता है ना। तो ये समकोण है। इससे यदि हम इसको इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, ये इस प्रकार से मिला देते हैं, और इसको यदि मैं पलट के इसी के ऊपर रख दूं और पुनः आकृति खींच दूं, तो आप देखेंगे ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोण 90 90 अंश का कोण बन गया यहाँ पे। तो इस तरह से ये एक वर्ग की आकृति बनती है। स्क्वायर माने होता है वर्ग। तो ये सेट स्क्वायर है ना। सेट स्क्वायर का इस्तेमाल 90 अंश का कोण बनाने के लिए करते हैं। किसी रेखा पर यदि लंब खींचने के लिए कहा जाए, यदि कोई रेखा हमारे पास है, ये एक रेखाखंड है ए बी, इसमें कोई बिंदु है पी, इस बिंदु पी पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींचिए, या बिंदु पी पर लंब खींचिए, रेखाखंड ए बी के बिंदु पी पर लंब खींचिए, यदि ये प्रश्न है तो हम कैसे करेंगे? हम इसका सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। रेखाखंड ए बी, एक बिंदु पी ले लिए। अब इस रेखाखंड सेट स्क्वायर को रेखाखंड में हम बिंदु पी के समीप इस तरह से रखेंगे, मिला के रखेंगे। ये इस तरह से मिला हुआ रहना चाहिए जो रेखाखंड पहले से बना हुआ, और दूसरा बिंदु पी के पास में ये रखा जाना चाहिए। बिंदु पी के पास रखने के बाद हम खड़ी रेखा एक इसके ऊपर खींच देते हैं। तो ये रेखा एक, मान लो ये पी क्यू बन गया है ना, तो ये लंब हो गया। लंब का मतलब क्या होता है? लंब ऐसी रेखा होती है जो दूसरी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है, इसको लंब कहते हैं। हम लोग जमीन में खड़े होते हैं तो 90 अंश के कोण पर खड़े होते हैं, तभी हम स्थिर और बैलेंस बना पाते हैं। यदि मैं इस पेंसिल को खड़े कर पेन को खड़े करता हूं तो ये 90 अंश के कोण पर खड़े होगा। ये लंब है इस धरातल पर है ना, टेबल के ऊपर या पेपर के ऊपर ये लंब होगा। तो ये खड़ी रेखा होगी, सीधी खड़ी रेखा 90 अंश का कोण बनाती है। 90 अंश का कोण बना है कि नहीं, आप इसको चेक कर सकते हो चांदे की सहायता से। ये देखिए चांदे को हमने रखा तो ये ठीक 90 अंश वाले लाइन पर जा रहा है।
इसका मतलब जो पी क्यू खींचा गया रेखा है वो 90 अंश का कोण बनाता है। सेट स्क्वायर का और इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, मान लो किसी रेखाखंड के बाह्य बिंदु रेखा ए बी के बाहर बिंदु पी पर ए बी रेखा में लंब खींचिए। यदि ये कहा गया रेखाखंड के बाह्य बिंदु पर ए बी पर खींचना है, तो हम पहले एक रेखाखंड खींच देंगे, किसी भी लंबाई का खींच सकते हैं, रेखाखंड ए बी हमारे पास आ गया। अब बाह्य बिंदु है मान लो पी, ये है बिंदु पी, अब पी से इस पर लंब खींचना है, तो हम सेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इसका करें चाहे इसका करें, किसी का भी कर सकते हैं। दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, दूसरा सेट स्क्वायर होता है उसमें एक भुजा छोटी होती है एक भुजा बड़ी होती है, और जो पहला वाला जो बताया गया था इसमें दोनों भुजाएं बराबर होती है। समकोण बनाने वाली भुजा तो 90 अंश का होगा, कोण 90 अंश का होगा, और बाकी जो दोनों कोण यहाँ पे बनते हैं ये 45 45 अंश के होते हैं। इसके विपरीत जो सेट स्क्वायर है जिसमें दोनों भुजाओं की आकृति अलग अलग है, इसमें लंब बनाने वाली भुजाओं के बीच का कोण तो 90 अंश का होगा, इसमें एक तरफ का कोण 30 अंश का होता है दूसरे तरफ का 60 अंश का होता है, तो एक निश्चित आकृति का कोण बनाने के लिए भी 30 अंश 60 अंश या 45 अंश का कोण बनाने के लिए भी हम सेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिंदु पी से बाहर, बिंदु पी जो कि रेखाखंड ए बी से बाहर है, इसमें हमको लंब बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये इस तरह से सेट स्क्वायर को रेखाखंड के ऊपर स्थापित करेंगे, और चाहे तो आप स्केल को भी ऐसे रख सकते हैं ताकि वो दोनों मिला रहे। अब ध्यान रखना है कि ये स्केल हिलना नहीं चाहिए, तो स्केल ना हिले इसके लिए हम स्केल को बहुत अच्छे से दबा के रखेंगे ताकि स्केल डिस्टर्ब ना हो अपनी जगह से। अब उसके बाद इस सेट स्क्वायर को हम आगे की ओर चलाते हैं, इस प्रकार से आगे की ओर कब तक चलाएंगे, बिंदु पी तक पहुंचेंगे, है ना, बिंदु पी तक पहुंच गया ये, और बिंदु पी पे जैसे ही पहुंचा हम वहां पे एक रेखा जो कि बिंदु पी से होकर जाती है वो खींच देते हैं। तो ये बिंदु पी जो कि ए बी से बाहर है वो बिंदु ए रेखाखंड ए बी पर एक लंब डाल दिया जो ए बी को बिंदु क्यू पर मिलता है, तो ये लंब रेखा बाह्य बिंदु से खींचा जा सकता है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से किसी रेखा के समांतर अन्य रेखा खींचना, किसी रेखा के समांतर अन्य रेखा हम कैसे खींच सकते हैं, यदि कोई रेखा खंड बाहरी बिंदु पर स्थित है तो चलिए इसको खींचने के लिए हम सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। एक रेखा खंड ए बी है, ये ए और बी हमारे पास आ गया, है ना। अब इस रेखाखंड के ए बी के बाहरी बिंदु पर मान लो कोई बिंदु है, चलिए इसको दूसरा ले लेते हैं, आर है। अब इस आर पर ए बी के समांतर रेखा खींचना है। समांतर रेखा क्या होता है, दो रेखाएं समांतर होती है यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और प्रत्येक बिंदु पर दोनों रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तब हम उसको कहते हैं समांतर रेखा। तो ए बी के समांतर आर पर कोई हमें रेखा अन्य रेखा खींचनी है, दूरियां बराबर होनी चाहिए, तो इसको खींचने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी पर हम स्केल को रख देते हैं। किस तरह से रखेंगे, सबसे पहले आप देखिए सेट स्क्वायर को रखें, सेट स्क्वायर को इस प्रकार से रखें रेखा के खंड के ऊपर, एक मिनट, इस तरह से रखेंगे। अब चूंकि ये लंबवत हो गया है ना सेट स्क्वायर, अब इसके ऊपर हम स्केल को रख देते हैं इस प्रकार से। अब स्केल को दबा के रखेंगे ताकि स्केल डिस्टर्ब ना हो,
ठीक है। अब सेट स्क्वायर को हम इस तरह से रखेंगे, सेट स्क्वायर को हम यहां पे रखेंगे। अब धीरे धीरे स्केल के साथ साथ इस सेट स्क्वायर को हम चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये कहां तक जाएंगे? बिंदु R तक जाएंगे। जैसे ही बिंदु R के पास आया, हम वहां पे एक रेखाखंड बिंदु R से होता हुआ खींच देते हैं। तो ये जो रेखाखंड खींचा है, मान लो इसका नाम PQ है, तो ये PQ रेखाखंड AB रेखाखंड के समांतर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समांतर रेखा खींच लेते हैं। बहुत जल्दी से आपको मैं बता देता हूं रेखा का समविभाजक कैसे खींचा जाता है। लंब समविभाजक किसको कहते हैं? ऐसी रेखा किसी रेखा का लंब समद्विभाजक से तात्पर्य होता है ऐसी रेखाखंड जो रेखा को बराबर भागों में विभाजित करे और 90 अंश पर विभाजित करे, 90 अंश का कोण बनाते हुए विभाजित करे, या रेखा पर लंब हो और उसको बराबर भागों में विभाजित करता हो, तो उसको हम कहते हैं लंब समद्विभाजक। तो मान लो ये ए बी है, लंब समद्विभाजक खींचना है। ये हमारे पास एक रेखा है ए बी, इस रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे? रेखा खंड की लंबाई कितनी है ये हम अनुमानित ले लेते हैं। ये करीब करीब 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर का आधा होगा 4, तो आधे से ज्यादा, आधे से थोड़ा ज्यादा लंबाई का हम प्रकार की सहायता से त्रिज्या का चाप काटेंगे। तो ये जैसे हो गया 4 सेंटीमीटर आधा हुआ, तो उसका ज्यादा मतलब 5 सेंटीमीटर लंबाई का हमने त्रिज्या का प्रकार को फैलाव दे दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? बिंदु ए पर नुकीले पॉइंट को रखेंगे और रेखाखंड के ऊपर की ओर एक बड़ा सा चाप ऊपर की ओर खींचेंगे और नीचे की ओर एक बड़ा सा चाप खींच देते हैं इस प्रकार से। और फैलाव उतना ही रहना चाहिए, जितना 5 सेंटीमीटर लिए हैं तो उतना ही रहेगा। उसी तरीके से हम बिंदु बी पर रखेंगे और पुनः एक चाप ऊपर की ओर और दूसरा चाप नीचे की ओर खींचते हैं। चाप की लंबाई इतना रखना है ताकि दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। यदि ये नहीं कर रहा है तो पुनः एक ही ओर जाएं और उस चाप को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो ये देखेंगे आप, ये चाप दो बिंदुओं पर एक दूसरे को विभाजित कर रहा है, बिंदु पी पर और बिंदु क्यू पर। ये दो बिंदु हमको प्राप्त हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा हम खींच देते हैं। ये तो ये जो रेखाखंड पी क्यू है, ये ए बी पर लंब है, यहां 90 अंश का कोण बनेगा। आप मेजरमेंट करके देख लोगे चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बना है कि नहीं, और साथ ही साथ स्केल से नाप के देखोगे तो ए से, ये मान लो बिंदु ओ है, तो ए से ओ के बीच और ओ से बी की बीच की दूरी भी बराबर है। इधर 4 सेंटीमीटर है, इधर 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, इसलिए तो ये लंब समद्विभाजक है। तो इस तरह से हम कुछ महत्वपूर्ण बेसिक आकृतियों का या रचनाएं कैसे कर सकते हैं ये हमने आज की कक्षा में सीखा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने